एक्सरसाइज नंबर 8.5, इसके अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जन एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जन, इसके अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 8.5 है, इसके अंदर पावर सीरीज लग रही है और फंक्शन जो होना चाहिए वो हमारे पास कन्वर्ज होगा अगर हमारे पास आंसर 0 आता है, अदरवाइज डाइवर्ज होगा। और इसमें जो रेडियस फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला है हमारे पास बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम इस सब पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने सॉल्व करना है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट से, लिमिट नहीं रेशो टेस्ट से। रेशो टेस्ट की ये वाली फॉर्म होती है इस फॉर्म में, तो मैं इस फॉर्म में सबसे पहले इसको लिख लूँगी ए एन प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे हम उसे ए एन पे, और ये भी चल रहा होगा। अब एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n+2 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड हो रहा है फंक्शन एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल पे, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, एक्स की पावर एन एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2x+2 2x+1 एंड 2n फैक्टोरियल, ये एक्स नहीं एन है, 2n+2 2n+1 एंड 2n फैक्टोरियल। डिवाइड का साइन है तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई के अंदर। इधर नीचे लिख देती हूँ, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया और इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। 2n ऊपर चला गया, अब यहाँ पे x की पावर n और 2n फैक्टोरियल की कटिंग हो जाएगी, x की पावर से और ये 2n फैक्टोरियल से। अब जो फैक्टर बच गया वो लिख लेंगे, ऊपर x रह गया डिवाइडेड बाय 2n+2 और 2n+1, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन के ऊपर। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ की फॉर्म बनेगी, साथ में x है, 1/∞ 0 के इक्वल होगा, तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन जब हमारे पास फंक्शन आ ही 0 रहा है, इसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि फिर जो हमारे पास, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो हमारे पास इंटरवल था ऑफ कन्वर्जन, और सेकंड चीज़ हमारे पास क्या था, रेडियस फाइंड करना था हमने। ये क्या आएगा हमारे पास, अगर हमारे पास आंसर हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं और वो 0 आ जाता है तो हमारे पास इंटरवल जो होगा वो -∞ से लेके इन्फिनिटी तक तो होगा, और रेडियस जो होगा वो भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा और ओपन ब्रैकेट्स लगेंगी इसके ऊपर अगर आंसर 0 आता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, ये जो 0 वाली कंडीशन है वो इसके लिए नहीं थी, बल्कि इसके बाद जो हम चेक करते हैं उसके लिए हमने देखना है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल है। लेकिन अगर हम कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम में वो 0 हो जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सीरीज तो हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगी लेकिन उसका इंटरवल -∞ से +∞ तक होगा और उसका रेडियस भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ मैं, सीरीज कन्वर्ज है बाय रेशियो टेस्ट कहें या कुछ भी, ये जो चीज़ें ये अगले क्वेश्चन के अंदर जो है ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएंगी, डिफाइन हो जाएंगी ज़्यादा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, वही फॉर्म ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन की फॉर्म बनाऊंगी मैं। 2 की पावर n है तो 2 की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln ऑफ n प्लस 3 हो जाएगा, और डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में लिख दूंगी इसको डायरेक्टली में, ln ऑफ n प्लस 2 ऊपर आ गया और 2 की पावर n और x की पावर n जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद अब देख लें जो कटिंग हो सकती है, 2 की पावर n 2 की पावर 1 x की पावर n x की पावर 1 ln of n प्लस 3 क्रॉस प्रोडक्ट ln of n प्लस 2 2 की पावर n x की पावर n, इस तरह होगा।
अच्छा, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया क्वेश्चन पूरे को। अब इसमें कटिंग कर लेंगे, 2 की पावर n की और x की पावर n की कटिंग हो जाएगी क्रॉस में। अब जो फंक्शन रह गया उसको लिख लेंगे, 2 यहाँ से रह गया और x रह गया, और y की फॉर्म में इन दो फंक्शंस को हम इस तरह लिख लेंगे। ln वाले फंक्शन हमने एक तरफ लिख लिए और कांस्टेंट और x जो था उसको एक तरफ लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास 1 चल रहा है, नीचे 1 था। अब हम लोग ln की कटिंग कर देंगे। अगर ln वाले फंक्शन की कटिंग हो जाए और ये 2x था और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये 2x था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे पास n, इधर से कॉमन ले लूँगी तो 1 प्लस 2 बाय n होगा, और यहाँ से जब n कॉमन लूँगी तो 1 प्लस 3 बाय n होगा। अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये सारा फैक्टर हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा, ये चीज़ बच गई। तो हम इसको जो हमारे पास आंसर आएगा उसे लेस देन 1 ले लेंगे। इसको ओपन अब कैसे करेंगे? ओपन हम इसको इसको डिवाइड से इसमें ले जाते हैं, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। अब इस सीरीज़ को -1 बाई 2 लेस देन एक्स और एक्स इज़ लेस देन 1 बाई 2, क्योंकि ये माइनस से प्लस के दरमियान लाई करता है। तो एक्स के हमारे पास दो आंसर आ गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब हमने चेक करने के लिए पुट करेंगे, एक दफ़ा एक्स -1 बाई 2 और एक 1 बाई 2 पुट करेंगे ओरिजिनल जो फंक्शन था हमारे पास उसके अंदर। अच्छा, यहाँ मैं पुट कर लेती हूँ, फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। वो था n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक 2 की पावर n एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई ln ऑफ n प्लस 2। इसके अंदर मैं -1 बाई 2 पुट करूँगी जहाँ पे x होगा, -1 बाई 2 की पावर n ln ऑफ n प्लस 2। अब जो ये हमारे पास फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे 2 की पावर n और 2 की पावर n की कटिंग हो जाएगी, -1 की पावर n रह जाएगा और डिवाइड हो रहा है ये ln ऑफ n प्लस 2 पे। इसको आगे लिख लेती हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, हमारे पास फंक्शन बना था ये। अब ये जो सीरीज है ये हमारे पास कौन सी है? अल्टरनेटिंग सीरीज। तो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर क्या होता है कि फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। हम इसको चेक कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ln ऑफ n प्लस 2, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी होके 0 आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड ये कि ये हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग भी है, इज इक्वल टू 0 भी है, तो सीरीज कन्वर्ज होगी बाय अल्टरनेटिंग सीरीज। ये एक हो गया। इसी तरीके से हम चेक करेंगे, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। फंक्शन के अंदर 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा था और 2 की पावर n एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय ln ऑफ n प्लस 2 ये फंक्शन था। 2 की पावर n एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगी 1 बाई 2 और डिवाइडेड बाय ln ऑफ n प्लस 2। अब 2 की पावर n की कटिंग हो जाएगी और फंक्शन हमारे पास क्या रहा? 1 की पावर n डिवाइडेड बाय ln ऑफ n प्लस 2 ये फंक्शन रह जाएगा। अब ये हमारे पास अल्टरनेटिंग नहीं बल्कि एक नॉर्मल, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, एक नॉर्मल सीरीज है। इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो ए एन हमारे पास लिमिट कंपैरिजन में इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाय ln ऑफ n प्लस 2, ये हमारे पास ए एन बन गया। और बी एन हमने खुद सेलेक्ट करना है तो हम वो ले लेते हैं 1 बाय n। तो 1 बाय n जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होने की वजह से क्या हो जाएगा? डाइवर्ज है बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये वाली जो सीरीज है सॉल्व किए बगैर ही ये सीरीज हमारे पास डाइवर्ज है, ठीक, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।
अच्छा जी, एक हमारे पास कन्वर्ज आ गया और एक हमारे पास डाइवर्ज आ गया। इसका इंटरवल जो है, हमने इंटरवल लिखना था, अब हम इसका इंटरवल लिखेंगे। इसका इंटरवल हमारे पास बनेगा, दो आंसर आए थे, -1/2 आंसर आया था और सेकंड आंसर हमारे पास 1/2 आया था, लेकिन इस पे ब्रैकेट्स हमारे पास ये वाली लगेंगी। अब ये मैं ब्रैकेट्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ब्रैकेट्स की कौन कौन सी कंडीशंस लगेंगी, क्योंकि एक कन्वर्ज था, एक डाइवर्ज था। अगर हमारे पास एक आंसर ऊपर वाला कन्वर्ज था, ये नीचे वाला डाइवर्ज था, तो ऐसी कंडीशन में हम इस पे ओपन राइट साइड पे इनके मुंह ओपन होते हैं और ये वाली ब्रैकेट्स लगती हैं। अगर एक कन्वर्ज आ रहा हो आंसर और एक डाइवर्ज आ रहा हो उस टाइम पे, ये तो हो गया हमारा इंटरवल। अगली चीज़ है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो ये ए है, ये बी है, ये ए बी थे, तो बी माइनस करेंगे ए डिवाइडेड बाय 2 कर लें, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा। सो मेरे पास रेडियस ये आ गया और इंटरवल हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। इंटरवल हमारे पास ये दोनों आ गए और ये रेडियस आ गया। अब मैं, अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट हो गया है। इसके बाद मैं ज़रा आपको थोड़ा इंटरवल का बता देती हूँ जो मैं भूल गई थी पहले। अगर हमारे पास बोथ कन्वर्ज आ रहे हो, मतलब दो हम जो सॉल्व करें चेक करें दोनों का आंसर कन्वर्ज आए, तो ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। अगर एक कोई कन्वर्ज आता है, एक कोई डाइवर्ज आता है, तो उस कंडीशन में हम ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और बोथ डाइवर्ज आते हैं तो ये वाली ब्रैकेट्स लगेंगी, और ये ब्रैकेट्स इंटरवल पर लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं रेशो टेस्ट से। इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा, इसको डायरेक्ट लिख लेती हूँ क्या बनेगा। एक्स माइनस 5 की होल पावर एन प्लस 1 एल एन ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 2, ये बन गया। और साथ में इसमें डिवाइड हो रहा है हमारे पास फंक्शन एक्स माइनस 5 की पावर एन एल एन ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये मैंने लिख लिया। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई में इसको लिख लेंगे, एक्स माइनस 5 की पावर एन और एक्स माइनस 5 की पावर 1 एल एन ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स एन प्लस 1, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएंगे, और ये पावर इस तरीके से आएगी। अच्छा अब ये वाला फैक्टर इसकी कटिंग हो जाएगी, और किसी की कटिंग नहीं हो रही। अब हम एन वाले और एक्स वाले फैक्टर एक तरफ लिख लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस 5 एक फैक्टर, ये सेकंड एल एन ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, ये साथ एन प्लस 1 भी आ रहा है, एक एन प्लस 1 ये वाला आ रहा है और सेकंड ये एल एन वाला फंक्शन आ गया। दो तीन चीज़ें ये होगी, डिवाइड में एन प्लस 2 आ रहा है, साथ एल एन ऑफ एन आ रहा है, ये सारा हमारे पास फंक्शन एन की फॉर्म में आ गया। अब इसमें से एन कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई, अब ये जो एल एन है ना, इस एल एन की इस एल एन से कटिंग कर देंगे, तो ये एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन ये वाला फैक्टर और एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 2 ये। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये जो सारा है ना, अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि n कॉमन ले लेंगे, इधर से भी n कॉमन ले लेंगे, तो ये पूरा फैक्टर 1 के इक्वल आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा, x माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 होके ये चीज़ हमारे पास आंसर है। तो जब हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम लेस देन 1 लिखते हैं, तो इसकी अब दो रेंज होती हैं हमारे पास, वो क्या होता है, माइनस 1 से प्लस 1 तक, माइनस 1 लेस देन x, माइनस 5 लेस देन 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो माइनस 5 है ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा और यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1, और इसी तरीके से जब ये इधर जाएगा तो ये इधर भी प्लस हो जाएगा, फाइनली 4 और 6, ये हमारे पास इंटरवल आ गया है। अब 4 और 6 दोनों के लिए हम लोग चेक करेंगे। पहले मैं इसके अंदर पुट कर लेती हूँ x इज इक्वल टू 4, किस में पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर जो हमें ऊपर गिवन है इसमें पुट कर लेते हैं। n बिलोंग n 2 से हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, और x माइनस सॉरी फंक्शन चलो लिख लेती हूँ, पावर n एल एन ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें मैंने पुट करना है x, x की जगह लिखेंगे 4 माइनस 5 की पावर n
एल एन ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। अब 4 माइनस 5 किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। ये एक स्टेप मैं आगे लिख देती हूँ, समेशन एन इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक, और ये वाला जो फंक्शन था -1 की पावर n, 7 मल्टीप्लाई में एल एन ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ये आ गया। अब ये हमारे पास कौन सी सीरीज बन रही है, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है, ठीक हो गया, क्योंकि -1 की पावर n आ रहा है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो फिर हम इस पे चेक करेंगे कि क्या ए एन हमारे पास 0 के इक्वल r है। लिमिट की फॉर्म में इसको लिख लें, सॉल्व कर लेते हैं, एल एन ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हम इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा देते हैं। अच्छा जी ठीक है, लिमिट से भी हो जाएगा। अच्छा ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्म बन रही है लिमिट पुट करके, वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी। इसके लिए हम इसके ऊपर एक रूल अप्लाई करेंगे, लॉबिटर रूल। इसमें डेरिवेटिव लेते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। अगर हम इसमें डेरिवेटिव लेंगे तो एल एन ऑफ एन 1 बाई n के इक्वल आ जाएगा, और ये 1 प्लस 0 होके 1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर अप्लाई कर लें लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1, 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा फैक्टर हमारे पास 0 हो गया। तो सीरीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, कन्वर्ज आ गई बाई अल्टरनेटिंग सीरीज़। बाई यूजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज़ यूज़ की तो हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इससे लिए मैं सेकंड वाले के लिए चेक कर लूँगी। पुट करेंगे हम इसके अंदर x इज इक्वल टू, पहले हमने 4 पुट किया था, दूसरा इंटरवल हमारे पास 6 था, ये पुट कर लेते हैं फंक्शन के अंदर, n बिलोंग टू से इन्फिनिटी, और x की जगह पुट करेंगे हम यहाँ पे 6 माइनस 5 की पावर n, एल एन ऑफ n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये पूरा फंक्शन अब क्या बनेगा, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर n, एल एन ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब ये मेरे पास 1 की पावर n है, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन आ गया। इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इसमें हम कोई आम सा नॉर्मल टेस्ट लगा देते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा देते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास फिर ए एन क्या बना, ये फंक्शन एल एन ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और बी एन हम इसमें सेलेक्ट करेंगे 1 बाई n, जो कि हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। और लिमिट कंपैरिजन में अगर लेस देन इक्वल टू 1 हमारे पास बी एन आ जाए तो सीरीज हमारे पास डाइवर्ज हो जाती है, ठीक हो गया। इसको सॉल्व किए बगैर ही हमें पता चलेगा कि ये सीरीज हमारे पास डाइवर्ज आ रही है। तो एक कन्वर्ज है, एक डाइवर्ज आ रहा है। तो वही बात होगी कि अगर हमारे पास इधर यहाँ लिखा हुआ भी था कि अगर एक कन्वर्ज और एक डाइवर्ज हो तो हम कौन सी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होंगी, और इनके दरमियान फंक्शन लिख दें 4 और 6। ये मेरे पास क्या बन गया, इंटरवल। ये हमने इंटरवल फाइंड कर लिया है, और अब हमारे पास रेडियस रह गया जो कि बी माइनस ए था, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास रेडियस क्या आया, और ये इंटरवल आ गया। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एन स्केयर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 बाई n स्केयर। अगर हम इसमें से बी एन सेलेक्ट करें तो 1 बाई n स्केयर की फॉर्म बनती है, और जो ये चीज़ है ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 होने की वजह से कन्वर्ज है। सीरीज़ हमारे पास कन्वर्ज आ जाएगी, और अगर गिवन सीरीज़ कन्वर्ज है फॉर ऑल एक्स के लिए तो हमारे पास इसके अंदर रेडियस और कन्वर्जन क्या बनेगा। मैं सिर्फ रेडियस के लिए आर और इंटरवल के लिए आई लिख रही हूँ। तो रेडियस इसका ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, और इसका इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ऐसी कंडीशन के अंदर। ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू 1 से समीशन तक एन स्केयर हो रहा है एक्स माइनस 2 की होल पावर एन है, ये मैंने लिख लिया। इसके ऊपर भी हम लोग इसी तरीके से अप्लाई करेंगे रेशो टेस्ट की तरह, जिस तरह हमने सॉल्व किया था, रेशो वाले तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एन प्लस 1 का स्केयर और एक्स माइनस 2 की पावर एन प्लस 1,
और डिवाइड होगा ये ए एन के ऊपर जो कि एन स्केयर और एक्स माइनस टू की पावर एन है। ये फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कटिंग कर लेंगे जो हो सकती है एन प्लस वन का स्केयर और एक्स माइनस टू की पावर एन और एक्स माइनस टू की पावर वन डिवाइड हो रहा है एन स्केयर पे और एक्स माइनस टू की पावर एन पे। इन दो फैक्टर्स की कटिंग हो जाएगी और इधर से एन स्केयर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा और ये तो ऑलरेडी था, इसकी कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस टू की पावर वन था, ये फंक्शन बच गया। अब इसी पे लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये पूरा फैक्टर वन के इक्वल है तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स माइनस टू लेस देन वन। इसको मज़ीद लिख लेते हैं, एक्स माइनस टू ये फंक्शन जो है माइनस वन से वन के दरमियान आएगा, तो जब माइनस टू से यहाँ माइनस टू जो है वो इधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा तो ये वन आ गया, और इसी तरह जब माइनस टू इधर जाएगा तो वो प्लस टू होने की वजह से थ्री हो जाएगा। तो हमारा इंटरवल वन एंड थ्री है, वन और थ्री दोनों पे हमने जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में चेक किया है इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ए एन की इक्वल है जो कि नहीं सेटिस्फाई करेगा। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए एन इज़ नॉट सेटिस्फाई फॉर एक्स इज इक्वल टू वन एंड थ्री। वन और थ्री दोनों के ऊपर जो है हमारे पास फंक्शन ज़ीरो नहीं आएगा, मतलब हमारे पास जो दोनों आंसर हैं वो कन्वर्ज नहीं करेंगे, सीरीज हमारे पास डाइवर्ज हो जाएगी। तो हमारे पास अब इंटरवल इसका क्या बनेगा, इंटरवल और रेडियस दो चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं। इसका इंटरवल हमारे पास वन और थ्री है और इसके ऊपर हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, एक भी था दोनों ठीक है, ओपन की वाली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। और रेडियस का वही तरीका, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन। तो रेडियस हमारे पास वन आ गया, ये हमारे पास इंटरवल आ गया और हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से सिंपल जिस तरह बाकी क्वेश्चंस के अंदर चेक किया है इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने वन और थ्री को इसके ओरिजिनल फंक्शन में यहाँ पुट करना है और ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो ए एन है वो दोनों के अंदर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, एक में भी कन्वर्ज नहीं आएगा, बोथ के अंदर डाइवर्ज आएगा। ठीक हो गया।